जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना ना भूले ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा ऐसे दो तरीके जिसके जरिए आप अपने घर के जो वाईफाई नेटवर्क हैं या फिर ऑफिस के भी, उसमें डिफरेंट डिवाइसेस को ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के जरिए या फिर अपने राउटर लेवल पे भी इन सारी ट्रिक्स से अपना जो डेटा है उसको एकदम लिमिटेड डिवाइसेस में ही शेयर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों, जो सबसे पहला तरीका है उसमें हम राउटर लेवल पे आपके डिवाइसेस को ब्लॉक करना सिखाएंगे। और यहाँ पे आपको जो राउटर का जो डिफ़ॉल्ट एडमिन और पासवर्ड है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो समझ लीजिए, आप घर के वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड है और बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट दो एड्रेसेस होते हैं, 192.168.1.1 या फिर .0.1, जहाँ से आप अपने राउटर का जो एडमिन पेज है उसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने चेंज नहीं किया होगा तो मोस्ट ऑफ द राउटर्स का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है एडमिन, और जो यूज़र नेम होता है वो भी एडमिन होता है, मतलब एडमिन डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम मैक एड्रेस फिल्टरिंग के ज़रिए ये जो डिवाइसेस हैं उनको ब्लॉक करेंगे। और दोस्तों, मैक एड्रेस का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, और ये हर डिवाइसेस के यूनिक एड्रेस होते हैं। तो इसको आप आईपी एड्रेस से कंफ्यूज मत करिए। आईपी एड्रेस दोस्तों जो डिवाइसेस को होते हैं वो राउटर लेवल पे मिलती हैं और वो चेंज होती रहती हैं, लेकिन एक डिवाइस का जो मैक एड्रेस होता है वो कंपनी का दिया हुआ रहता है और वो हमेशा के लिए वही रहेगा। तो अब आपको अपने वाईफाई नेटवर्क पे स्कैन करना पड़ेगा कि कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और किसका मैक एड्रेस क्या है, और इसके लिए आपको अपने विंडोज़ कंप्यूटर पे एक छोटा सा प्रोग्राम रन करना पड़ेगा जिसके भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। और जैसे ही आप उस आईपी फिल्टरिंग को रन करेंगे, जो सॉफ्टवेयर का नाम है, वहाँ पे आपको अपने सारे के सारे डिवाइसेस दिख जाएंगे जो आपके वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, और उसके बाद उस डिवाइस के मैक एड्रेस और जो उसके जो आईपी एड्रेस है वो भी पता चल जाएगा। तो अब समझ लीजिए, वन प्लस जैसे कोई डिवाइस है जो आपको ब्लॉक करना है तो आप वहाँ से उस पर डबल क्लिक करके उसका मैक एड्रेस कॉपी कर लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि जो आप मैक एड्रेस कॉपी करेंगे सॉफ्टवेयर से, वहाँ पे दो नंबर्स के बाद एक डैश होगा, फिर दो नंबर्स होंगे, तो आप उस डैश को एक कोलोन साइन से रिप्लेस कर दीजिए अपने किसी नोटपैड में कॉपी पेस्ट करके, बिकॉज जो मैक एड्रेस होते हैं वो वैसे ही काम करते हैं। अब आपके पास समझ लीजिए वो मैक एड्रेस तो आ गया और आपने राउटर पे लॉगिन भी कर रखा है, तो डिफरेंट राउटर में दोस्तों अलग अलग सेटिंग्स में जा करके एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है मैक एड्रेस फिल्टरिंग। ये हर राउटर में होगा, थोड़े में किसी में एडवांस वाईफाई सेटिंग्स में होगा, किसी में आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप अपने मैक एड्रेस को रिजेक्ट कर सकते हो या फिर ब्लॉक जिसे बोला जाता है, या फिर आप उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस को एक्सेप्ट कर सकते हो। अब जो दो तरीके होते हैं दोस्तों, उसमें क्या है कि ये जो मैक एड्रेस है अगर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो पर्टिकुलर डिवाइस आपके वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, मतलब उसको वाईफाई नेटवर्क तो दिखाएगा ही लेकिन वो उससे कनेक्शन मतलब कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, और उसको यही लगेगा कि शायद उसके डिवाइस में कोई कमी है बिकॉज और सारे के सारे जो नेटवर्क्स हैं जो डिवाइसेस वो काम कर रहे हैं। या फिर अगर आपको पता है कि आपके घर में सिर्फ दो ही डिवाइसेस हैं, एक आपका कंप्यूटर हो गया, एक आपका फ़ोन हो गया, या फिर ऐसे सिर्फ तीन चार डिवाइसेस हैं, तो आप इन मैक एड्रेसेस को वाइटलिस्ट कर सकते हैं। और जिसका मतलब ये रहेगा कि अगर आपका वाईफाई पासवर्ड किसी और को पता भी चल जाता है, तभी भी जितने भी मैक एड्रेसेस आपने यहाँ दिखा रखे हैं सिर्फ वही कनेक्ट होंगे और बाकी के सारे डिवाइसेस रिजेक्ट लिस्ट में चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये था पहला तरीका। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को दोबारा अगर देखेंगे, अगर आपको पहली बार में समझ में नहीं आए तो ये फॉलो करना बहुत ईजी हो जाएगा। बिकॉज वापस से मैं बता रहा हूँ, आपको मैक एड्रेस चाहिए, राउटर का एडमिन आईडी और पासवर्ड चाहिए, और वहां जाकर के आपको बस उस मैक एड्रेस को डाल करके एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है, सिंपल है। अब दोस्तों, जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन उसके लिए आपके फ़ोन पे जो रूट एक्सेस है उसका होना बहुत ज़रूरी है। अब समझ लीजिए कि आपके फ़ोन में जब रूट एक्सेस है तो एक ऐप है दोस्तों जिसका नाम है नेटकट, और हमने हमारे बहुत सारे प्रीवियस वीडियोज़ में भी इसको दिखाया है। और नेटकट दोस्तों क्या करता है कि आप जब अपने वाईफाई नेटवर्क पे
सॉरी आप जब अपने फ़ोन को उस वाईफाई नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे तो आपको सारे के सारे डिवाइसेस के लिस्ट दिखा देगा कि ये सारे डिवाइसेस इस वाईफाई नेटवर्क में कनेक्टेड है, और आप उस ऐप के जरिए किसी भी फ़ोन या किसी भी कंप्यूटर का इंटरनेट एक्सेस काट सकते हैं। अब यहाँ पे वो फ़ोन या वो डिवाइस वाईफाई से कनेक्टेड तो रहेगा, लेकिन जब वो इंटरनेट एक्सेस करेगा तब उसको ऐसा दिखाएगा कि इंटरनेट इज़ नॉट अवेलेबल और नॉट एबल टू लोड पेज, और आपको जो बैंडविड्थ है वो सेव होगा। तो दोस्तों ये थे वो दो तरीके जिसके ज़रिए आप अपने वाईफाई जो नेटवर्क है घर के उसको बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। मैक एड्रेस दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उनके बारे में पूरी जानकारी दूं। या फिर अगर आप अपने राउटर पे उस ऑप्शन को नहीं खोज पा रहे तो आप अपने राउटर का मॉडल नंबर भी पिंग कर सकते हैं और हम ट्राई करेंगे कि आपको एक डेफिनेटिव पाथ बताएं कि आप कहां से उन मैक एड्रेसेस को ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, इसमें हमने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है अगर वो पसंद आई तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज दोस्तों ऐसे वीडियो शायद ही आपको कहीं और मिलेंगे, है ना। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।